तेरे परम हो तुझे तार सकते हैं तेरे करम हरि बोल जय हो जरा उठाइए अपने हाथों को घिरा चौरासी
हरि का भजन तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। इसलिए हमने अपने कर्म पर जोर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक कर्म को ही पूजा नहीं बनाओगे तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र ने कह दिया कर्म करो लेकिन इतनी अति भी मत करो कि तुम्हें ज्ञानी ना हो कोई। एकाध तो बस गाय भैंस बैल की तरह बाल बच्चे पैदा करना और बोझ ढोते ढोते मर जाना, दूसरा कोई काम। यद्यपि तुम्हारा शरीर ही तुम्हें उपदेश करता है कि इसमें पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां, जितना कर्म उतना ही ज्ञान। यदि ज्यादा ही कर्म के पीछे भागोगे तो टूट जाओगे और दुनियादानी में रहना तो कर्म भी करना पड़ेगा। क्या कर्म नहीं करोगे तो खाओगे क्या? तो उधर का भी पलड़ा ठीक रखना और इधर का भी पलड़ा ठीक रखना। केवल कर्म के पीछे एकाध कहता है महाराज जी नहीं रहा जाता, नहीं रहा जाता तो जो एक सीमा के बाद कर्म करो उसको दान पुण्य करना शुरू कर दो। भाई नहीं रहा जाता तुमसे कर्म के बगैर, तो जो कमाओ एक सीमा के बाद उसको धर्म कर्म में लगा दो। लेकिन ना तुम धर्म कर्म में लगा रहे हो ना तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, केवल बोझा ढोने आए हो यहां। नहीं ऐसा नहीं करना। देखिए वो राजा जाग गया और किसने जगा दिया? एक तोते ने जगा दिया। सबकी वंदना कर रहे हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास। राधे श्याम वंदना, सबकी वंदना में जड़ चेतन जग जीव जत सकलम राममय जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग। क्या दुष्टों की भी वंदना की? हां दुष्टों की भी वंदना की। क्यों? क्योंकि दुष्ट में भी तो परमात्मा रहता है, दुष्ट में भी तो हम रहते हैं। कितनी बार शायद मैंने बताया हो कि देखो भाई नल अलग अलग हो सकते हैं, ये राणा साहब का है, ये कटारिया साहब का है, ये शर्मा जी का है, ये अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनके अंदर पानी आने वाला पानी एक ही है। वृक्ष अलग अलग हो सकते हैं, ये आम का है, ये कीकर का है, ये अशोक का है, ये जामुन का है, ये नीम का है, ये अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इनके अंदर रहने वाली आग एक ही है। गाड़ियां अलग अलग हो सकती हैं, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, ट्रैक्टर है, ट्रक, ये अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इनकी टायर की ट्यूब में रहने वाली हवा एक ही है। क्या ठीक इसी तरह शरीर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इनके अंदर रहने वाला परमात्मा एक ही है। स्त्री भी पुरुष भी बच्चा भी जवान भी दुष्ट भी संत भी सबके अंदर रहता है। साहब कह दिया कबीरदास जी ने, सब घट मेरा साईं खाली घट नहीं को बलिहारी उन घटन की जागट पर घट हो। और यदि दुष्ट और हम एक नहीं है तो हम जब सो रहे हैं तो हमारी निद्रा में दुष्ट हमारे साथ कैसे घूम रहा है बताइए? वो हमसे अलग है, तुम्हारा दुश्मन है या कोई और है, वो भी तुम्हें स्वप्न में दिखाई दे रहा है। बोलो वो तुम्हारे अंदर ही बन रहा है ना स्वप्न के बाहर बन रहा है लेकिन वो भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब वो और तुम अलग नहीं हो, एक ही हो। इसलिए सबके अंदर रहने वाले परमात्मा को गोस्वामी तुलसीदास ने प्रणाम किया है और ये भाषा राम जी ने हनुमान जी को सीखा और हनुमान जी से गोस्वामी तुलसीदास ने सीखी। अर्थात वो कहना चाहते हैं भैया सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करते करते कभी अवध को प्रणाम करने लगते हैं
कभी कौशल्या को प्रणाम करते हैं, कभी दशरथ को प्रणाम करते हैं, भरत को प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण को प्रणाम करते हैं, शत्रुघ्न को प्रणाम करते हैं, हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद जानकी मैया को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी यही है। इसलिए जिन बच्चों का दिमाग नहीं चलता हो तो ये चौपाई रटा देना। जनक सुता जग जननी जानूंगी, जनक सुता जग, हटा दीजिए अपने बच्चों को, जननी जानूंगी, अतिशय प्रिय करुणा निधान के, अतिशय प्रिय करुणा निधान के, ताके जोग पद कमल मनाऊं, जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निरमल मति पाऊं, जासु कृपा निरमल मति पाऊं। जाना जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुगपद कमल मनाऊं और तासु कृपा निर्मल। ये बच्चों को जरूर सिखा देना, क्योंकि उससे बुद्धि बढ़ेगी। हाँ। और उसके बाद नाम की वंदना, जड़ चेतन को प्रणाम करने के बाद नाम की वंदना है। कोई निराकार में पड़ा रहता, कोई साकार में। तुलसीदास जी कहते तुम साकार के झगड़े में ना पड़ो, निराकार के तुम नाम को पकड़ लो। क्या नाम दोनों से बड़ा है? क्या अरे भाई, किसी की यदि पहचान करनी है, उसका नाम तुम्हारे पास है, उसका एड्रेस तुम्हारे पास है, चाहे वो गुड़गांव में रह रहा हो, चाहे वो दिल्ली में रह रहा हो, चाहे बंबई में रह रहा हो, चाहे कलकत्ता में, ढूंढ लोगे कि नहीं ढूंढ लोगे? और उसका नाम याद नहीं है, उसका एड्रेस याद नहीं है, और फोटो तुम्हारे पास है, क्या ढूंढ लोगे उसको? भैया ऐसा सा देखा, घूमते रहे ना, गुड़गांव में घूमिए, दिल्ली में घूमिए, या बंबई में घूमिए, कलकत्ता में, वो नहीं मिलने वाला तुम्हें। क्या नाम ही नामी तक पहुंचा देगा तुम्हें। इसलिए सज्जनों, नाम पर जोर दिया है। बंदउ नाम राम रघुवर को करिए प्रणाम, नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु बानो हिम कर को, हेतु कृषानु बानो हिम कर को, बंदौ नाम राम रघुवर को, बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु बानो हिम कर को, हेतु कृषानु बानो हिम कर को, बंदौ नाम राम रघुवर को, हो हे तो कृषानो भानो हिम कर को, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आइए राम के नाम को प्रणाम करें। क्यों, कैसा है राम का नाम? कृषाणु माने होती है अग्नि, भानु माने होता है सूर्य, और हिमकर माने होता है चांद। देखिए राम के नाम तीन तरह के बोध दे रहा है, तीन चीजें हैं राम के नाम में। रामे तीन हैं, रा, रा के अंदर आ और फिर मां, कितने हो गए? तीन। और तीन चीजों से ही सारा संसार चल रहा है, अग्नि से,
सूर्य से और चंद्रमा से। यदि अग्नि नहीं होगी तो रोटी कैसे बनाओगे? बोलो, यदि अग्नि नहीं होगी तो रोटी कैसे बनाओगे? और यदि सूर्य नहीं निकलेगा तो देखोगे कैसे? बोलो। और यदि चांद नहीं होगा तो जिंदगी में विश्राम कहां आएगा, ठंडक कहां आएगी, तुम्हारी थकान कौन भगाएगा? रात को जब सो जाते हो तुम्हारी सारी थकावट को खींचता है चंद्रमा, तुम्हें शांति प्रदान करता है। और ये तीनों राम के नाम में है। रा कहते ही अग्नि तुम्हारे सारे पाप को जला डालेगी, अग्नि जलाती है ना। रा जब कहोगे तो तुम्हारे सारे पापों को जला डालेगी वो अग्नि। आ जब कहोगे तो तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाएगा सूर्य की तरह, तुम्हारी दिव्यता निखर के आएगी सामने। और मां कहते ही तुम्हारी जिंदगी में शांति आ जाएगी। क्या? या ये बात कह लीजिए भाई, बार बार तुम्हारे घर में तुम्हारा दरवाजा खुला है, बार बार कुत्ता आ रहा जा रहा, टिकने नहीं देता, है ना, तुम क्या करोगे? जब ज्यादा ही परेशान हो जाएगा उठोगे, उसको बाहर भगाओगे, है ना, और फिर दरवाजा बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि ये दोबारा नहीं आए, है ना। तुलसी रा के कहते ही, तुम्हारे अंदर भी तो बहुत बड़े कुत्ते बैठे हैं, काम क्रोध लोभ अहमता ममता, और कुत्ते काफी बैठे हैं ना जो तुम्हें परेशान करते हैं, है ना, इसलिए तो टेंशन होती है ना। और यही पाप की जड़ है, यही तो पाप करवाते हैं। तो तुलसी रा के कहते ही निक्षत पाप बहार, खोलना रा, रा कहते मुंह खुल जाता ना, लेकिन बम बंद कब होगा? तब मैं कहोगे, कह के देख लो भाई रा, लेकिन मुंह बंद करना पड़े अम्मा, है ना, मुंह बंद होगा भाई। तुलसी रा के कहते ही निक्षत पाप बहार, पुनियावन पावे नहीं देत मकार की क्या एक एक बात को समझाया गोस्वामी तुलसीदास। एक बार उतर के तो देखो, ये सा अथाह समुद्र है सज्जनों, जितनी गहराई में गोता लगाने की कोशिश करोगे ना उतने ही नए नए रत्न निकल के आएंगे बाहर। एक बार उतर के देखिए, बड़ा आनंद आएगा इसका। देखिए कितने प्यारे नाम की शब्दावली को समझाया गया है। और इसलिए कभी कभार मन करता है ये गाने को फिर, नाम तुम्हारा तारन हारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर हो। जाना, उठाइए अपने हाथों को, हरि बोल। अपने हाथों को
कर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, जो भी तेरे दर पे आए मन वंचित फल पाते। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, जो भी तेरे दर पे आए बलवंचित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु ओ, 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 आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। उठाइए अपने हाथों को सागर, जग में नाम तुम्हारा है, तुम बिन मेरे रघुनंदन यहाँ कोई नहीं हमारा है। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। दीनदयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है, तुम बिन मेरे रघुनंदन यहाँ कोई नहीं हमारा है। आत्मनिधि को पाने हेतु ओ, आत्मनिधि को पाने हेतु तेरे ही अर्पण होगा, इसकी रचना इतनी सुंदर ओ कितना सुंदर होगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। नाम तुम्हारा कारण हारा, नाम तुम्हारा कारण हारा, जाने कब दर्शन होगा, इसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, जो भी तेरे दर पे आए मन वंचित फल पाते हैं। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम।
श्याम श्याम। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, गाइए ना, जो भी तेरे दर पे आवे मन वंचित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु हो, आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बोलो राम बोलो राम, गाइए बोलो श्याम बोलो, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब जिसकी वो कितना सुंदर हो। बोलो राम, गाइए ना, बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। चाहे इंसान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, महात्मा हो, कोई भी हो, जब तक तुम इसको गाओगे नहीं तब तक पाओगे भी नहीं, इसलिए गाया करो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखा है आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा। आत्मनिधि माने अपने खजाने को, अपने अंदर रहने वाली आत्मा को, अपने अंदर रहने वाले परमात्मा को पाना हो तो गाओ। क्या उसके लिए तुम्हें गाना ही होगा, बगैर गाए उसको पाओगे नहीं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बड़े प्यार से बैठिएगा, ये सुनने लायक चीज है सज्जनों। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं, एक बार देव दानव और मानव, बड़ी ध्यान से सुनेगा, तीनों मिलकर के भोले बाबा के पास चले गए। वो कहे रामायण हमारी है, वो कहे रामायण हमारी है, वो कहे रामायण हमारी है, बड़ी ध्यान से सुनिए। क्यों? क्योंकि रामायण कोई एक नहीं है, रामायण सतकोटि अपार, 100 करोड़ रामायण। क्या कितनी? कभी सोचो एक दो। क्यों? क्योंकि जो राम के नजदीक गया उसने ही लिख डाला। क्यों? अपनी लेखनी को पवित्र करने के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करने। सौ करोड़ श्लोक निकले उसके अंदर, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। अब वो कहे मेरी है, वो कहे मेरी है, कौन कौन? देव दानव और मानव, तीनों। बोले बाबा ने कहा लड़ो नहीं भाई, तुम्हारा बंटवारा करते। 100 करोड़ थे श्लोक, उसमें तीनों को 33-33 करोड़ बांट दिए, कितने रह गए? बोलो 1 करोड़। भाई 100 करोड़ थे ना, उसमें वो तीन हैं, देव दानव और मानव, उन्होंने 33-33 करोड़ बांट दिए, कितने रह गए? 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 16 लाख। फिर तीनों में 33-33 लाख बांट दिए, कितने रह गए? बोलो 1 लाख। 1 लाख में से 33-33 हजार फिर बांट दिए, कितने रह गए? बोलो। ओ गुंगा बोल लिया करो ना, थोड़े बहुत उंगली नहीं उठानी, मुंह से कह रहा हूं, बोलो कितने रह गए? 1000 में से 300-300 फिर बांट दिए, कितने रह गए? 100। 100 में से 33-33 फिर बांट दिए, कितना श्लोक रह गया? 1। और एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं, अनुष्टुप छंद 32 अक्षर का होता है, और नेले वाले हैं 3 अक्षर हैं 32,
दस दस फिर बांट दी तीनों, कितने रह गए? दो। और आदमी कितने हैं? तीन। तो बंटवारा नहीं हो सकता ना। बोले बाबा ने कहा ये बांटने वाले को दे जाओ, और वो दो अक्षर थे रा और म। कौन से थे समझ गए? ये राम नाम बहुत बड़ी चीज है, इसको भोले बाबा ने रख लिया। सारी ऋषि में ही है, सारी सृष्टि इसी से ही निकलती है। ध्यान से इस रामचरित्र को सुनिएगा सज्जनों, निर्गुण भी वही है और सगुण भी वही है। वो तुम्हें दोनों के दर्शन करा सकता है, साकार रूप के भी निराकार रूप के। एक नाम को पकड़ना है बस। इसलिए सज्जनों, चाहे वो गुरुवाणी हो चाहे वो दरबार साहब, बगैर राम नाम के वो भी खाली के खाली। क्यों? क्योंकि दरबार साहब में कहिए, गुरुवाणी में कहिए, 4,343 बार राम का नाम है और 8,633 बार हरि का नाम। यदि गुरुवाणी के अंदर से इनसे निकालिए उसमें क्या है? जो अपना गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरुवाणी है या दरबार साहब है, उसमें 4,343 बार राम का नाम है और 8,633 बार हरि का नाम। इसको यदि निकाल जाए तो खाली का खाली है। इसलिए सज्जनों, हर श्वास के साथ एक नाम होना चाहिए। तुम 21,676 श्वास लेते हो रोज, ज्यादा नहीं कर सकते, तो हर श्वास के साथ एक नाम जोड़ दो यार। तुम्हारा कौन सा टैक्स लगता बताइए, क्या घट जाएगा तुम्हारा? 21,600 ही ले लो कम से कम, है ना? हाँ, दूसरी चीजों में भी तो लगा देते हो इस एनर्जी को, और काम भी करते रहो उसका नाम भी रटते रहो, है ना? यदि कंप्यूटर चलाने वाले ना बात भी करते रहते रहे, वो उसके बटन भी दबाते रहते हैं ना। अब तुम सोचो कि भाई ये एक बार में दो काम कैसे हो सकते हैं? हाँ क्या आप देखते हो गांव में जब कुएं पे पानी भरने जाते थे आप लोग, है ना, तो मटकी सिर पे रखी रहती थी, बाल्टी भी हाथ में होती थी, शायद बच्चे बच्चे को भी उंगली पकड़ा करके चल रही हो और फिर बात भी करती जा रही थी। देखो कितने काम एक साथ कर रहे। क्या मटका भी सिर पे है, बाल्टी भी हाथ में है, बच्चा भी है और बतिया भी रहे हो, लो एक बार में कितने काम कर रहे। तो तुम कर सकते हो उस काम को, और परमात्मा के नाम को जैसे भी जपो। भाय कु भाय अनख आलस हो, भाय कु भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दस दस हो, नाम जपत मंगल दस दस हो, नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद हो और भगत शिरोमणि भे प्रहलाद हो, ध्रुस गलान जपे हरि नाम पायौ अचल अनुपम ठाकुर, और सुमर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे राम। पवन पुत्र हनुमान ने एक नाम के सहारे से राम को अपने कब्जे में कर लिया, बताइए क्या? एक नाम जब से ही प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि बन गए, एक राम के प्रसाद, नाम के प्रसाद से ही आज द्रुपद, द्रुप जी को द्रुपद मिल गया, राम की ड्योढ़ी मिल गई उसको, और आज जितना भी विज्ञान है सब उसको देख करके दौड़ रहा है। ऊपर आकाश में उड़ने वाली जितनी चीजें केवल राम के नाम का प्रभाव है कि वो एक जगह खड़ा, धरती घूम रही है, तारा घूम रहे, सूर्य घूम रहा है, चंद्रमा भ्रमण कर रहे, लेकिन वो एक अकेला ऐसा है जो राम की ड्योढ़ी पर अकेला ही खड़ा है, वो घूमता नहीं है, वो वहीं पर है। और ये रामायण भी बात कह रही है।
लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप कहां भटक रहे हो? आओ निकल करके एक बार बाहर। सज्जनों, दुनिया का इतिहास साक्षी है। कितने ऐसे महापुरुष हैं केवल नाम के प्रभाव से ही जीवित ही इस शरीर के साथ आज भी गोवर्धन में प्रवेश किए हुए। आज की बात बता रहा हूं, श्री गिरिराज जी महाराज में सह शरीर मरे नहीं है, वो शरीर के साथ प्रवेश कर। बताइया किसके प्रभाव से? नाम जप के, क्योंकि जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। सज्जनों, जप बहुत बड़ी चीज है। बड़ी ध्यान से सुनेगा सज्जनों, राम कथा प्रकट हुई है 1631 में, नौमी तिथि चैत्र मास अवधपुरी के अंदर ये राम कथा प्रकट हुई है। जैसे राम प्रकट हुए हैं ऐसे ही रामायण प्रकट हुई है। वही तिथि है, वही बार है, वही नक्षत्र है, उसी समय रामायण प्रकट हुई है। ये लिखा है यहां, संवत 1631 करहु कथा हरिपद धर शीसा, नौमी भोमवार मधुमासा, नौमी भोमवार मधुमासा, अवधपुरी यह है चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाश, अवधपुरी में। और केवल गोस्वामी तुलसीदास ही नहीं, भोले बाबा भी के अंदर भी प्रकट हुए। रचि महेश निज मान जरा का पाय सुसम शिवाशन भाखा, प्रकट हुई है भोले के अंदर, लेकिन भोले बाबा ने अपने मन में समाहित कर ली, अपने मन में, इसलिए इसका नाम पड़ा है रामचरितमानस। क्या जब समय आया और पार्वती ने प्रश्न किया तो भोले बाबा ने उगल दिया उसके सामने, ताते रामचरितमानस वर धरऊ नाम ही हेरी हर सर, कहूं कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन मिलाई, क्योंकि शंभु प्रसाद सोमति ही होलसी, शंभु प्रसाद सोमति ही होलसी, ओ राम चरित मानस कवि तुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी। ये यहां से प्रकट हुई है, पहली शुरुआत कहां से हुई? आइए ले चलते हैं, पहली बार कथा कहां हुई? ले चले आपको इलाहाबाद, इलाहाबाद से प्रकट हुई है, जहां से त्रिवेणी प्रकट हुई। भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा, तिनहिं राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज ऋषि का आज भी आश्रम है इलाहाबाद में। भरद्वाज ऋषि इलाहाबाद में निवास कर रहे हैं। माघ का महीना, क्या माघ के महीने में मकरगत जब रवि आते हैं उस समय एक नहीं दो नहीं सारे तीर्थ इकट्ठे होते, सारे लोगों के कितने 3,10,000 तीर्थ इकट्ठे होते हैं वहां। कितने बोलो? 3,10,000 तीनों लोगों के सारे तीर्थ स्नान करते हैं। कब? माघ मरग मकरगत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जे सकल त्रिवेणी। उसी त्रिवेणी के ऊपर भरद्वाज ऋषि का आश्रम, महापुरुष भी जाते हैं स्नान करने, सब महात्मा स्नान करके वापस लौट रहे हैं। उसमें एक याज्ञवल्क महापुरुष जो बड़े मंत्र दृष्टा है, बहुत बड़े ज्ञानी,
जाग बलिक यज्ञवल्क ने भी जाना शुरू किया, उठाई अपनी लोटा डोरा डंडी और खड़े हुए, लेकिन भरद्वाज ऋषि ने मत्था टेक दिया, हे महात्मन आप कुछ देर ठहर जाइए, क्यों? क्योंकि आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। क्या बात करना चाहता हूं? यद्यपि संकोच होता है लेकिन अपने बड़ों के सामने यदि कोई मन में बात हो तो रख देनी चाहिए, और यदि नहीं रखोगे तो संशय बने का बना रह जाएगा। यदि बात कुछ भी नहीं लेकिन बात बहुत बड़ी भी है। याज्ञवल्क जी ने कहा, हे भरद्वाज क्या कहना चाहते हो आप? कि मैं कहना ये चाहता हूं, क्या? कि राम कवन प्रभु पूछे तो ही कहिए बुझाए कृपा निर्मोही। हे ऋषि श्रेष्ठ, राम कौन है? एक राम को मैं जानता हूं, कौन से राम? एक राम अवधेश कुमारा तीन कर चरित विदित संसार। मैं क्या? वो अवधेश कुमार राजा दशरथ का बेटा, उसको सारी दुनिया जानती है, जिन्होंने नारी के वीर में भर करके रावण को मार डाला, और एक को गुफा में बैठ करके भोले बाबा जप कर रहे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, प्रभु सोई राम के अपर कोई, जाही जबत त्रिपुरार सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। आप सारे शास्त्रों के जानकार हैं, आप महान पंडित हैं, इसलिए हे ऋषि श्रेष्ठ मैं पूछना चाहता हूं, कौन से राम को माने? एक को भोले बाबा जप करते हैं बनारस में बैठ करके, काशी में बैठ करके नाम कान में फूकते और मुर्दे को मुक्त कर देते हैं, और उसी को बैठ करके जप कर रहे हो अंदर गुफा में, और एक राम ये है, इनमें से कौन सा राम है? इस बात को सुन करके यज्ञ मुर्ख ने ठहाका मार के हंसे, क्या ठहाका मार के हंसे। भरद्वाज ऋषि ने कहा, ऋषि पर आप हंस रहे हो? करे हाँ हंस रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम साथ जानते सब कुछ हो, लेकिन इन बातों को मेरे सामने कहकर के आप कथा सुनना चाहते हो, सीधी सीधी बात कह दो। क्या यहां लिखा? बिल्कुल, जाग बलक बोले मुस्काई तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, चहू सुनई राम गुण गुढ़ा कीन ही प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। प्रश्न कर रहे हो मूर्ख की तरह, जैसे कुछ जानते ही नहीं, और तुम जान रहे हो सब कुछ। इसलिए हे राजन, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे भरद्वाज ऋषि, आप बैठ जाइए, अब तो मैं राम कथा सुना के ही जाऊंगा आपको। बड़ी ध्यान से सुनना सज्जनों, राम कथा की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, सुनो भरद्वाज ऋषि, राम कथा ही मां दुर्गा है, दुर्गा में और राम कथा में कोई अंतर नहीं है। माह मोह महामोह मोहि शेष विशाला, राम कथा कालिका करा। वो महिषासुर को मारती है, हमारे अंदर भी अहंकार रूपी महिषासुर बैठा है, उसको केवल और केवल कथा ही मार सकती है, इसलिए यही दुर्गा है। और थोरे में सब कहूं बुझाई, सुनहुतात मति मन चितलाई। हितात, जब राम कथा में आओ तो अंदर चार चीजें हैं, लेकिन यहां तीन को लेके आना, एक को मत लेके आना। यदि कथा को अंदर उतारना है तो कौन कह रहे हैं? राम कह रहे हैं। किसको? अपने भाई लखन को। हे तात, हे प्रिय भ्राता, जब कथा में जाओ, राम कथा सुनो, तो तीन चीजें लेके आना। क्या? एक तो बुद्धि, एक मन और एक चित्त। अंदर यद्यपि चार है
मन बुद्धि चित्त और अहंकार, लेकिन एक को लाने के लिए नहीं कह रहे, अहंकार को मत लेके आए। क्यों? क्योंकि फिर वो गर्दन से नीचे कथा नहीं उतरने देगा, अहंकार इतना बदमाश होता है। इसलिए उसको तो या तो घर में छोड़ के आओ, और घर में ना छोड़ के आओ तो जहां जूते निकालो वहां जरूर छोड़ देना उसको। यहां तीन को लेकर गए, सुनहु तात मति मन चितलाई। उन्होंने कहा भैया मैं सार में थोरे में सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। राम कोई एक नहीं है और उसकी कथा भी एक नहीं। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर्य ने मानही जिनके विमल विचार। राम की कथा एक नहीं, उनके अनंत गुण है। इसलिए खोपड़ी को खराब मत करना। क्यों? हम तो जिधर की वार्ता सुनेंगे हम तो उधर क्यों गिरे जाते हैं उसमें आचरज करें। क्यों? क्योंकि वो क्या रूप लेके कौन सी लीला करना चाहता है और कौन सा भगत किस रूप में चाहता, उसको तो उसी रूप में जाना पड़ेगा। क्या हिरण्यकश्यप ने नाम मांग लिया, न ऊपर मरू न नीचे मरू, न गीले मरू न सूखे मरू, आदमी से मरू न पशु से मरू, ठीक है ना, और ये बनाए हुए 12 महीने में ना मरो। इसलिए भगवान ने सोचा भाई अब इसको कैसे मारे, क्योंकि उसने तो उत्पात में जाके रख दिया। इसलिए भगवान को नरसिंह बनना पड़े, उसको तो जैसा भगत बनाना चाहता है प्रभु वैसा ही बन जाते। महिषासुर ने मांग लिया कि मैं पुरुष से मरू ही नहीं, इसलिए उसको स्त्री बनना पड़ गया। इसलिए लिख दिया यहां राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुन आचार्य ने मानी जिनके विमल विचार। तो उसमें आश्रय मत पड़ना। क्यों? क्योंकि कथा में जाने से बड़े बड़े लोगों की बुद्धि खराब भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कथा ध्यान से नहीं सुन पाते। इसलिए क्या एकाद यदि दूसरी चीज का उदाहरण देकर के वो कथा तो समझ में आए ना, वो दूसरी चीज पकड़ के खड़े हो जाए। क्या कथा बता को नहीं बेरा उसको, क्या कह रहा है ये और कहां कथा को ढाल रहा है। एक बार मैं उदाहरण दे रहा था, मैं ही दे रहा था कहीं कि मैं उदाहरण दे रहा था, भैया जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति शराब पीता ही रहेगा पीता ही रहेगा पीता ही रहेगा, उसको नशा आएगा, है ना। मैं उदाहरण ये दे रहा था भाई, जो इंसान कथा सुनता रहेगा सुनता ही रहेगा सुनता ही रहेगा, वो चाहे ना चाहे भगवान उसके अंदर से प्रकट होंगे। उदाहरण दे रहा भाई, जैसे शराब पीने वाला वो चाहे ना चाहे यदि शराब पीता ही रहेगा पीता ही रहेगा पीता ही रहेगा, उसको नशा आएगा। मेरे नीचे उतर के गया एक माई आई, महाराज जी आप शराब पीने की बात कह रहे थे, है ना, बताइए हमारा तो पहले घर उजड़ा हुआ है और आपने और कह दिया तो और पिएगा ले। अरे पागल मैं बात क्या कह रहा था और तुम कहां लेकर के चले गए। मैं एक उदाहरण दे रहा था कि यदि उसको पीता रहेगा तो नशा आएगा, ठीक इसी तरह यदि कथा को सुनता रहेगा सुनता ही रहेगा सुनता ही रहेगा, तुम चाहो ना चाहो मानो ना मानो, लेकिन एक दिन भगवान जरूर प्रकट हो जाए। लेकिन शर्त यह है कि सुनते रहिए उसको। इसलिए यहां कह रही है कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुन आचार्य न माने जिनके विमल विचार। और कथा केवल तुम ही नहीं सुन रहे, भगवान भी कथा सुनते हैं, देव नहीं महादेव भी कथा सुनते हैं। देखिए ना अपनी पत्नी को लेकर के जा रहे, शादी होते ही अभी तक बच्चे हुए नहीं कथा में लेकर जा रहे, कौन हमारे भोले बाबा। एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे। देखा तुम तो शादी करते ही कहीं और उड़ान भरते हो, कोई देश में कोई विदेश में कोई और चला जाएगा, और ये देखे कहां ले जा रहे।
एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। अकेले गए नहीं, संग सती जग जननी भवानी ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बखानी, राम कथा मुनि ब्रज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। जरा उठाइए अपने हाथों हरि बोल। बाबा के पास पहुंच गए कहां, दंडकारण्य। दुनिया की सबसे नीची जगह है दंडकारण्य और सबसे ऊंची जगह है हिमालय कैलाश। देखिए मेरे भोले बाबा सबसे ऊंची जगह से आए और कहां बैठे, दंडकारण्य में। अर्थात क्या कहना चाह रहे मेरे भोले बाबा, अपने अहंकार को छोड़कर के नीचे बैठना पड़ेगा यदि कथा को अपनी जिंदगी में उतारना है तो। वो बताना चाहते हैं लेकिन एक तो उतर आया लेकिन दूसरी उतर के नहीं है। कौन? सती। वो बेचारे कथा में बैठे। ओहो हमारे तुलसीदास गोस्वामी जी बड़े खुश है। वाह दोनों पति पत्नी सुनेगा। कहा संग सती जग जननी भवान, मेरी माँ। और हमारे अगस्त बाबे भी उठ खड़े हुए, आरती उतारी। जय शिव ओंकारा, आरती उतार रहे हैं। कौन? हमारे अगस्त बाबा। किसकी? हमारे भोले बाबा की। ये जगत पिता है हमारे घर, मैं आरती तो उतारू। अरे लोग इनके दर्शन के लिए वहां भागते हैं और आज खुद मेरे घर पे चल गया है, मैं आरती तो उतारू। लेकिन वो तो आरती उतारने गए, वो सती की बुद्धि पकड़ा गई। ले हमारे नाथ इसकी यहाँ कथा सुनने आए, ये कैसे दौड़ रहा है हमारे पति को देख करके, हमारे पति की आरती उतार रहा है। ये कथा सुनाएगा क्या? और कभी उधर आसन बिछारा, कभी उधर आसन। बाबा बैठ। मेरे भोले बाबा कह रहे हैं ऋषि श्रेष्ठ ये नाच कूद बंद करो और जरा बाबा कथा सुना दो, हम इतनी दूर से कथा सुनने आए। अगस्त बाबा ने क्या कह रहे हो, इसे जिसके अंदर से राम कथा प्रकट हुई हो और वो दूसरे को कह रहा हो कि मेरे कथा सुना दो। अरे सूर्य दीपक को कहे कि तू मुझे प्रकाश दे। बाबा ये उल्टी गंगा पार। हाँ हाँ मुझे आपके मुख से कथा बहुत अच्छी लगती, मुझे कथा सुना। और बाबा नीचे बैठ गए और उसका ऊंचे आसन बैठा दिया। अगस्त बाबा कथा सुना। माँ पार्वती ने सोचा बोले बाबा का दिमाग तो नहीं चल गया, भांगवा ज्यादा तो नहीं चढ़ गई। अरे बाबा नाच कूद कर रहा साधारण बाबा है ये, और इसको ऊपर बैठा रहा, आप नीचे बैठा कर कथा सुनो। और बोले बाबा ये सोच बैठे हैं कि मैं इस कथा के सुनते ही हमारे राम के दर्शन पा जाऊंगा। क्यों? क्योंकि नया नया जोड़ा बना है, एक बार मेरे साथ ये भी दर्शन कर ले उसके। भोले बाबा तो करते ही हैं, ठीक है ना। हृदय विचारत जात हर
के ही विधि दर्शन हो। क्यों? क्योंकि गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। मेरे प्रभु नर के रूप में उधर के आए, वो गुप्त रूप में हैं। जब तक वो रावण को नहीं मार लेंगे वो इंसान बन के ही रहेंगे। और इसने यदि कथा ध्यान से सुन ली तो उसको पहचान लेगी, और ये कथा ध्यान नहीं सुनी तो ये उसको पहचान नहीं पाएगी। इसलिए भोले बाबा दिल में ही सोच रही है, सती को नहीं बता रहे। हृदय विचारत जात हर, क्या विचार रहे? के ही विधि दर्शन हो। दर्शन कैसे? क्यों? गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। कहीं कोई जान न जाए, इसलिए कथा सुनने से तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। कोई तुम्हें बता देगा भाई ये इस चीज का पेड़ है, तो उसको ध्यान हो जाएगा कि हाँ उसने ये बताया भाई इस चीज का पेड़ है ना। तुम्हारे बेटा बेटी भी क्या कहेंगे, मम्मी ने बताया था ये तेरी बुआ है, ये तेरा फूफा है, ये तेरा मामा है, तो ये वही है। और यदि सती ध्यान से कथा सुन लेगी तो वो बता देगी भाई राम ऐसे ऐसे हैं। लेकिन शंकर उर अति क्षोभ सती ने जान ही मर्म सोई, तुलसी दर्शन लो मन डर लो लालची। मन डरा भी हुआ है लेकिन आंखें लालच से भरी हुई, इस बहाने मुझे भी दर्शन हो जाए, इसलिए कथा में बैठ गए। लेकिन बैठ तो गए, उस महात्मा के प्रति श्रद्धा तो नहीं है। किसकी? सती की। ले बोले बाबा इके कह रहे हैं ये आम बाबा बैठा दिया और इसको कह रहे कथा सुना। इसलिए कथा में कभी उधर देख रही है, कभी उधर देख रही है, कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। ध्यान नहीं है किसका? सती का। इसलिए सती को यही नहीं पता ये कहेगी क्या। और कथा करते करते अगस्त बाबा यहां तक आ गए, कह दिया कि जिस राम की कथा सुन रहे हो भोले बाबा आप, वही राम वनवासी होकर के इसी दंडकारण्य में आए जहां बैठे हो आप। भोले बाबा ने कहा बाबा कथा को विराम दे, दर्शन कर ले। हाँ महाराज, एकदम उठे भोले बाबा और उठ करके जो ही सामने देखा तो राम दिखाई दिए, तो आंखों में आंसू भर आए। भरी लोचन छवि शिशु निहारी। आंखों में आंसू भर लिए उन्होंने। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जान की चिनारी। मेरे भोले बाबा रो पड़े, लेकिन समय ठीक नहीं है, जा नहीं, अब वहीं मत्था टेक दिया। ये कहकर जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले हूं मनोजन सावन। हे पार्वती न हे सती, जिस सच्चिदानंद का मैं जाप करता हूं अंदर गुफा में बैठकर, वो देखो वो सामने खड़े हैं। और सती राम की ओर ना देख भोले बाबा की मुख की ओर देख रही है। शंकर जगत वंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामत सीसा, तीन ही नृप सुत कीन प्रणाम ले। अरे सारी दुनिया जगत वंदे हैं हमारे भोले बाबा, सुर नर मुनि सब इसका गुणगान कर रहे हैं, और ये एक राजा के बेटे को प्रणाम कर रहा है और उसको सच्चिदानंद कह रहा है। सती ने छुआ भोले बाबा को, बोले नाथ आप ठीक हो ना, क्या हो गया आपको?
अरे एक आम आदमी, एक राजा का बेटा, जिसकी पत्नी को उठा करके कोई ले गया, उसको यही नहीं पता कि कौन ले गया, उसको आप सच्चिदानंद कह रहे हो, उसको भगवान कह रहे हो आप, दिमाग ठीक है ना आपका? उसको ये तो पता ही नहीं कि मेरी पत्नी को कौन ले गया, और तुम उसको ब्रह्म कह रहे हो, उसको भगवान कह रहे हो आप, उसको सच्चिदानंद कह रहे हो आप? नहीं नाथ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन भोले बाबा ने कहा